बोलो बाबा। हाँ साहब, जो आप लोग मेरे बेटे के लिए सहायता करिए, धन्यवाद। और मेरा बेटा वो बाहर है, उसको निकालने की कोशिश करो। आपको बताना चाह रहा हूँ कि लगभग 10 लाख रुपए की सहायता अभी तक इस परिवार की हो चुकी है। मैं चाहता हूँ जो आज जो परिवार है, आज से 15 दिन पहले इनके आंखों में आंसू नहीं सूख रहे थे, आज इनकी किशोरीलाल जी की बहुत बड़ी कृपा है इनकी वजह से, और आज ये ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि बहुत ज़्यादा गम भूल के, और अब इसे एक दिमाग में इनके कि मेरा पुत्र बाहर से विदेश से यहाँ आ जाए। बाहर आ जाए मेरा लड़का, अटे बाहर कने। आभार प्रकट करता हूँ किशोरीलाल जी सैनी, जो मीडिया के मुहिम चला करके अपना एक वीडियो बना करके पूरा हिंदुस्तान में इन्होंने वायरल किया उस। नमस्कार, मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से खेतड़ी तहसील के ग्राम पंचायत बबाई में पीड़ित परिवार के पास हम पहुंचे हैं, उसी पीड़ित परिवार के पास जिस पीड़ित परिवार के लिए हमने एक मुहिम शुरू की थी आज से 15 दिन पहले, और उस मुहिम का इतना असर हुआ कि लोगों ने दिल खोल कर इस परिवार की सहायता की। हम बात करें कि ऐसी मतलब भौतिकतावाद के इस युग में जहाँ एक पैसे के लिए भाई भाई लड़ पड़ते हैं, वहाँ हम बात करें तो इस परिवार के लिए हमने लोगों से एक अपील की थी वीडियो के जरिए कि आप इस परिवार की सहायता कीजिए, परिवार बहुत ज़्यादा परेशानी में है। तो उस पहल की इतनी ज़्यादा मतलब हम बात करें तो इतनी ज़्यादा लोगों ने इस पर अमल किया और इस परिवार की सहायता के लिए वो जिस प्रकार से आगे आए हैं, तो इस परिवार की आज हम सहायता की बात करें तो काफ़ी सहायता हुई है। हम बात करें आर्थिक सहायता भी की है लोगों ने, इसके अलावा इनका जो बेटा विदेश की जेल में बंद था उनके लिए भी मतलब काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं और उच्च स्तर पे वो प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द ही भगवान ने चाहा तो इनका बेटा है वो विदेश की जेल से रिलीव होकर इनके पास आएगा। आज हम फिर से इनके घर पे मिलने के लिए आए हैं। इन माता जी का, इन बाबा जी का हमने एक वीडियो आपके सामने डाला था जिसमें ये रो रहे थे और अपने परिवार की व्यथा बता रहे थे, लेकिन आज हम जिस प्रकार से इनके घर पर आए हैं तो कुछ नहीं, आज बहुत ज़्यादा मतलब ये हल्का महसूस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा ये खुश भी हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हम बात करें कि हाँ इनका बेटा विदेश की जेल में है, वो तो देखो जिस प्रकार से अब सिस्टम होगा उसके हिसाब से छुटके वो भी आएंगे, लेकिन जिस प्रकार से आर्थिक जो परेशानी थी जिनके कारण इनके सामने बहुत बड़ी परेशानी थी, खाने की पीने की सबसे बड़ी परेशानी थी, उस समस्या का इनको निजात मिला है। और दिल खोलकर लोगों ने जिस प्रकार के भामाशाह की हम बात करें कि जिन लोगों ने अपनी खून पसीने की मेहनत से मतलब पैसा निकालकर इस परिवार के लिए डोनेट किए हैं, उन परिवार के मतलब इन परिवार की दुआ उन भामाशाहों को लगेगी। मैं बात कहना चाहूँगा आपको कि 1 रुपया दान में दिया हुआ पैसा है वो फलता फूलता है। जिन भामाशाहों ने दिल खोल कर इस परिवार की सहायता की है उन भामाशाहों की इन परिवार की दुआ लगेगी। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि लगभग 10 लाख रुपए की सहायता अभी तक इस परिवार की हो चुकी है। वर्तमान समय की बात करें तो सबसे बहुत बड़ी बात है ये 10 लाख रुपए की सहायता होना। एक मुहिम के तहत हमने काम शुरू किया, पहल की, और वो पहल इतनी कारगर साबित हुई कि 10 लाख रुपए की सहायता इस परिवार की हो चुकी है। और मैं उन तमाम भामाशाहों का मतलब आभार व्यक्त करना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि आपने जिस प्रकार से इस परिवार की सहायता की है, यह परिवार हमेशा हमेशा के लिए आपका ऋणी रहेगा। परिवार के सदस्य एक बार इनसे फिर से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। बोलो बाबा। हाँ साहब, जो आप लोग बोलो बाबा। हाँ साहब, जो आप लोग मेरे बेटे के लिए सहायता करिए, धन्यवाद। और मेरा बेटा वो बाहर है, उसको निकालने की कोशिश करूँगा। और आपको बहुत धन्यवाद है मेरी सहायता करी है जो लोगों ने, बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान बनाए रखे। नहीं, आपको ऐसा लगा ना बाबा जी, एक बात बताना कि आपके साथ भी लोग हैं। हाँ, हमारे साथ लोग हैं, बहुत लोग सब साथ में हैं। जिस दिन पहले दिन मैं आपके पास आया था तो सिर्फ और सिर्फ आप रो रहे थे, अपने परिवार की मतलब परेशानियाँ थी बता रहा, आज के यहाँ को लाग रहा था, सही सही बताओगा? आज वह ठीक है, पहले से ठीक है, इतनी परेशान नहीं है। अब तो बस एक ही मांगा, आपका बेटा बाहर बाहर आ जाए मेरा लड़का, अटे बाहर कने। आप जी हल्का मत करो बाबा जी, सब होगा, वो भी आएंगे। आप ठीक है, धन्यवाद। देखो मतलब रुंधे हुए गले से बोल के बताया है कि आपने जिस प्रकार से मेरी सहायता की है, जन्म जन्म तक मैं आपकी उस सहायता का ऋणी रहूँगा। मैं आपको बता दूं कि वो तमाम लोग यहाँ सहायता के लिए आए हैं, हम बात करें जनप्रतिनिधि भी आए हैं, तो एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी इस परिवार की सहायता के लिए आ गया है, क्षेत्र के सांसद है वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं। इसके अलावा हम बात करें तमाम जनप्रतिनिधि, तमाम
लोग हैं जो इस परिवार की सहायता के लिए खुल कर साथ यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे जमावाड़ी लगा रहता था लोगों का, लोगों ने खाद्य सामग्री भी खूब दी है यहाँ पे। माता जी इनसे भी बात कर लेते हैं। हाँ माता जी, खूब करी से हमारा आज मेरे टावर पर मेहरबानी खूब करी, मेरा बच्चा ने खड़ा और मेरे सब भाई साथ दे रहे थे। तो अब आप रो मत, अब तो आप तक खुश रहो, आराम से रहो, हौसला रखो, अब कुछ नहीं होगा, सब लोग आपके साथ आ गए हैं। क्योंकि एक समय था तब आप अकेले बैठे बैठे रोते थे, लेकिन आज आपके साथ तमाम लोग हैं। जिस प्रकार से 10 लाख रुपए की सहायता है, कम सहायता नहीं है माता जी, कोई नहीं कम सहायता, भगवान को बंधो आराम करे तो भाई बताए भाई जी जो कुछ मैंने साथ दिया बड़ा आराम कर तो बंधो भगवान मेरा बेटा कहीं भी कटवा दो बेटा। देखो वो तो अब जैसे सिस्टम है वैसे आएंगे, लेकिन अब आपके पास सबसे बड़ी बात है कि पैसे की बात है, पैसा आपके पास आ गया तो उस पैसे से आप अपने परिवार को और आप अपने जो बच्चे हैं इनका अच्छी तरीके से पालन पोषण कीजिएगा, और जिससे कि मतलब ये बच्चे अच्छे पढ़ लिखे, नौकरी भी लग जाए। जिस प्रकार से आज परिवार के सामने दुख है तो कल सुख भी आएगा। ये आर्थिक जो सहायता हुई है ना वो यही काम करेगी। आपको ध्यान रखकर अपने इन बच्चों का भी सही तरीके से पालन पोषण करना है। खेतरी नमस्कार जी। सर्वप्रथम तो मैं आभार प्रकट करता हूँ किशोरीलाल जी सैनी, जो मीडिया के मुहिम चला करके अपना एक वीडियो बना करके पूरा हिंदुस्तान में इन्होंने वायरल किया। उसका असर ये दिखा कि यहाँ भामाशाह आगे से आगे आकर के इस पीड़ित परिवार का जितना सहयोग किया है, इसके लिए हम बार बार उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। परमात्मा से कामना करते हैं कि उनको परिवार को रात बड़ी दिन चौगुनी खुशियाँ दे। जितने किशोरीलाल जी हैं ये जी, इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है इस पीड़ित परिवार की सहायता के लिए। क्यों, इन्होंने हर दिन हर टाइम पे मुहिम चला करके अखबार द्वारा वीडियो द्वारा जागरूक किया है सभी भामाशाहों का। तो इसके लिए सभी भामाशाह जो हिंदुस्तान में हैं, विदेश में हैं, चाहे वो कुवैत में हो चाहे वो अमेरिका के में हो, जितने भी हैं उन सब का हम पुण्य यहाँ मैं मेरे समाज की तरफ से और मेरी संस्था की तरफ से मैं सबको बार बार पुण्य धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ नरेंद्र जी खिचड़ी भी आए थे, उन्होंने पूरा आश्वासन दे के गए कि मैं इनके बच्चे के लिए प्रधानमंत्री से, विदेश मंत्री से, सचिवालय में, विदेश मंत्रालय में, हर जगह मैं कोशिश करूँगा, और विदेश के अंदर जहाँ एमएससी है, राजदूत बैठता है, वहाँ मैं फ़ोन से संपर्क करके और इनको बेटे के बाहर लाने की पूरे यत्न और प्रयत्न करूँगा मैं। इसके लिए मैं यहाँ के जो प्रतिनिधि झुंझुनू जिले के सांसद नरेंद्र जी खिचड़ जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आकर के इस पीड़ित परिवार की सहायता भी की है और इनको ऐसा आश्वासन दिया है, बहुत बढ़िया दिया है। अगर वो बच्चा बाहर आता है तो ये परिवार, ये समाज नरेंद्र जी का भी आभारी रहेगा और उनको धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने इस पीड़ित परिवार के घर पे आकर के इतनी सत्वन दी है, जिसके अंदर बहुत बहुत उनको आभार प्रकट करते हैं, बहुत बहुत उनको धन्यवाद। और जितने भी भामाशाह आ रहे हैं, जितने भी समाज के आ रहे हैं, और अभी चालू है ना, अभी और भी भामाशाह आ रहे हैं, एक दिन छोड़ के दो दिन, मतलब सहायता मिल रही है, कोई अन्न की दे रहा है, कोई वस्त्र की दे रहा है, कोई पैसे की कर रहा है। तो हम तो पुण्य सबको एक बार फिर पुण्य में धन्यवाद देना चाहता हूँ, जितने भी भामाशाह हैं चाहे वो विदेश में हुए या देश में हुए, जिन्होंने पंडित पीड़ित परिवार की जो सहायता की है, इनके लिए मैं मेरे समाज और मेरे यहाँ गांव वालों की तरफ से बार बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर्व समाज को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आज जो परिवार है, आज समाज को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आज जो परिवार है, आज से 15 दिन पहले इनके आंखों में आंसू नहीं सूख रहे थे, आज इनकी किशोरीलाल जी की बहुत बड़ी कृपा है इनकी वजह से, और आज ये ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि बहुत ज़्यादा गम भूल के और अब एक दिमाग में इनके कि मेरा पुत्र बाहर से विदेश से यहाँ आ जाए। इनके लिए भाई मैं इनको भी मीडिया वाले को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और भगवान से परमात्मा से निवेदन करता हूँ कि आप इसी तरह और असहाय परिवार की सहायता करते रहिए। इनके लिए मैं बार बार फिर पुण्य धन्यवाद। मदनलाल मामोड़िया, कुमावत विकास संस्था, तहसील अध्यक्ष, खेतरी जी। अभी तक कितने लाख रुपए की सहायता हो चुकी है सर? अभी लगभग करीब 1 साल का राशन भी आ चुका है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस प्रकार से हम बात करें कि इन्होंने पूरी जानकारी बता दी है कि 10 लाख रुपए की तो नगद सहायता आ चुकी है, इसके अलावा हम बात करें कि 1 साल की जो खाद्य सामग्री है वो भी इस परिवार के पास उपलब्ध करवा दी गई है। बाकी जिन भामाशाहों ने इस परिवार की सुध ली है, मैं उस भामाशाहों का बारम्बार निवेदन करना चाहता हूँ और उनको ये कहना चाहता हूँ कि आपका 1 रुपया इस परिवार के लिए
लाखों रुपए का काम करेगा, क्योंकि ये परिवार सिर्फ और सिर्फ इनके आंखों में आंसू थे, आज इनके पास खुशी है, क्योंकि वो खुशी के जो हकदार है वो आप हैं, क्योंकि आपने इस परिवार में खुशी बढ़ने का काम किया है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि एक रुपया लोग नहीं निकाल सकते, वहाँ आपने लाखों रुपये इस परिवार को सहायता के रूप में दिए हैं और आज ये परिवार है जो खुशी मतलब खुशी के आंसू मतलब इसके आंखों में टपक रहे हैं। होना भी क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी परेशानी में जो परिवार था उसके पास इतनी बड़ी जो राशि आई है, उसके लिए मैं उन सभी बाबा साहब का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि भगवान आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे और आप खूब पैसा कमाएं, खूब आगे बढ़ें। इस परिवार की दुआ भी आपके आपको लगे और मेरी भी दुआ आपको लगे, क्योंकि आपने अपने खून पसीने की मेहनत से इस परिवार की मतलब सहायता की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब इसका बेटा इनका बेटा है वो भी बहुत कम समय में हमारे पास आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ के स्थानीय सांसद हैं, उन्होंने भी मुहिम छेड़ी है, वो भी उस लेवल पर मतलब प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा काफ़ी सामाजिक संगठन है, वो भी प्रयास कर रहे हैं इनके बेटे को विदेश से मतलब भारत में लाने के लिए। तो वो समस्या है वो भी जल्दी ही मतलब हम बात करें सफल हो जाएगी और वो इनका बेटा है वो हमारे इंडिया में जल्दी ही आ जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष जो है कुमाऊं समाज के प्रदेश अध्यक्ष किशोर दुल्हेपुरा जी, उन्होंने भी मतलब इस मांग को पूरी पुरजोर तरीके से उठाया था और उनका भी बहुत बड़ा प्रयास रहा है और उनके कारण भी मतलब इस परिवार को काफ़ी संबल मिला है। अब मैं काफ़ी बाबा साहब है जिनके नाम नहीं ले पाऊंगा कि मेरे शब्दों से आप ये समझ लीजिएगा कि मैंने आपका दिल खोल कर स्वागत और सम्मान कर दिया है, क्योंकि आपने इस परिवार के लिए जिस प्रकार से खुशियाँ देने का काम किया है। सबसे बड़ी बात है कि लोग कह रहे हैं कि मतलब आपने मुहिम छेड़ी थी, आपका बहुत बड़ा योगदान है। मेरा कोई योगदान नहीं है, योगदान उन बाबा साहब का है जिन्होंने अपनी खून पसीने की मेहनत से कमाए हुए पैसे इस परिवार के लिए डोनेट किए हैं। मैं तो एक माध्यम बना था और माध्यम भी भगवान बनाते हैं, भगवान फरिश्ते के रूप में किसी को भेज देते हैं। ये परिवार दुखी था, मुझे भेज दिया, मैं एक माध्यम बन गया और इस परिवार की सहायता हो गई। लेकिन वो सहायता के हकदार असली जो है जिन्होंने की है वो बामा साहब, जिनको मैं प्रणाम करता हूँ। और ये परिवार भी आपको जिंदगी भर के लिए आपका ऋणी रहेगा। आज इस परिवार में खुशी है, गम है वो दूर होता चला गया है, क्योंकि उसकी असली वजह आप हैं। फिर से हम हाजिर होंगे, इसी परिवार से मिलाएंगे आपको फिर कभी। तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।